सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत भाषा शिक्षणस्य चतुर्विंशतितमे पाठे भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। मित्राणि, अद्य वयं संस्कृत भाषा शिक्षणस्य चतुर्विंशतितमं पाठं प्रविशामः। मित्रों, हमने गत पाठ में आपको शब्दकोश दिया था, आपने शब्दकोश को ठीक प्रकार से स्मरण कर लिया होगा और आई गेव द फॉर्म्स ऑफ अ वर्ड हरी इकारांत। आई थिंक यू हैव मेमोराइज्ड also. Next, अब हम उसमें उसी लेसन में कुछ धातुएं थीं, रूट्स थे, लाइक दिव, नृत, नश और भ्रम। इनके रूप भी, the forms of these verb are also like भू भवती, इनके भी रूप भवती के समान ही होते हैं। जैसे दिव, एक एक शब्द का रूप देखिएगा, दिव का बनेगा प्रथम पुरुष, लट लकार के प्रथम पुरुष का दिव का एक वचन में बनेगा दिव्यति, दिव को दी हो जाएगा दिव्यति। फिर सैम भवती के समान, लोट में भी लंग में भी। ऐसे ही आप देखिए नृत्य का, तो इसका बनेगा नृत्यति, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, और लोट और लंग में भी भू के समान। और नश, इसका नश्यति, भ्रम इसका भ्राम्यति, भ्राम्यति इसका रूप बनेगा। तो इनके आपको ये चार धातुएं हैं, इनके आपको लट, लोट और लंग तीनों में रूप याद करने हैं। ये मैंने आपको कार्य दे दिया, अगली बार मैं इन धातुओं के रूप चला करके आपको चेक करा दूंगा, फिर आप मिलान कर लीजिएगा। ओके, बट फर्स्ट यू हैव टू राइट। अब आगे देखिए, हमने लट लकार पढ़ लिया। लट लकार किस काल में होता है? वर्तमान काल की क्रिया को कहने के लिए। लोट लकार पढ़ लिया। लोट लकार किस अर्थ में होता है? आदेश देने के लिए, किसी को आदेश देते हैं किसी क्रिया को करने के लिए। और लंग लकार हमने पढ़ लिया, किसमें होता है? भूतकाल में, पास्ट। और अब एक हम नया लकार पढ़ने जा रहे हैं, फोर्थ, उसका नाम है विधिलिंग। विधिलिंग का अर्थ भी एक तरह से आदेश देना ही होता है, परंतु उस आदेश में विनम्रता होती है, उस आदेश में पोलाइटनेस होती है। पोलाइटली हम किसी को कोई बात कहते हैं, कोई कार्य करने के लिए कहते हैं इंग्लिश में। जैसे वी यूज मस्ट, शुड, माइट, मे, दीज फाइव वर्ड्स आर यूज्ड इन इंग्लिश। इनका अर्थ कुल मिलाकर के एक जैसा ही होता है,
उसमें भेद होता है। भेद क्या होता है? शुड, शुड में हम किसी पर प्रेशर नहीं डालते, हम कहते हैं भाई यू शुड राइट, यू शुड रीड सर, यू शुड लिसन सर, आपको सुनना चाहिए सर, आपको लिखना चाहिए सर, आपको पढ़ना चाहिए। कोई हम फोर्स नहीं कर रहे, हम पोलाइटली वी आर रिक्वेस्टिंग। वैसे ही ठीक संस्कृत में जो लोट लकार का प्रयोग देखा जाता है वो डायरेक्ट एकदम ऑर्डर में देखा जाता है, और ये विनम्रता पूर्वक पोलाइट पोलाइटली हम किसी से कोई कार्य करने के लिए कहते हैं तब देखा जाता है विधिलिंग, आपको करना चाहिए, आपको खाना चाहिए, भवान भोजनम कुरियात, आपको भोजन करना चाहिए, भवान पाठम पठेत, आपको पाठ पढ़ना चाहिए, भवान लेखम लिखेत, आपको लेख लिखना चाहिए, क्योंकि अच्छी चीज है लेख लिखना, पढ़ना, कार्य करना। फिर आपकी मर्जी, आप करो ना करो ये आपके ऊपर है। तो इसके लिए हम नया लकार पढ़ने जा रहे हैं विधिलिंग लकार, इसका ही हमको अधिक यूज करना है। आदेश देने की बजाय हम किसी को पोलाइटली कहें भवान अत्रैव तिष्ठेत, आप यहां पर ही बैठ जाएं, बहुत अच्छी बात है। आइए देखिएगा भू धातु का इसका रूप दिखा देता हूं, आप इस पर स्क्रीन पर देखिएगा और मैं बोल करके बताता हूं। भवेत, भवेताम, भवेयुः, भवेह, भवेतम, भवेता, भवेयम, भवेव, भवेम। इसी प्रकार से आपको अभी तक जितनी धातुएं आए हैं उनके रूप आपको याद करने हैं। और मित्रों, मैंने गत वीडियो में कहा था कि अभी तक जितनी भी धातुएं आई हैं वो धातुएं आपको यहां स्क्रीन पर मैं दिखला देता हूं, आप देखिएगा ये वाली धातु आई हैं। यहां पर पहली पंक्ति में आप मूल धातु देख रहे होंगे, फिर उसके बाद में उसका हिंदी मीनिंग देख रहे होंगे, और फिर उसके बाद में जो रेड लिखा हुआ है रेड पेन से, तो वो उस धातु का लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप दिखा दिया है। फिर आपको भू के समान इन सबके रूप चलाने हैं, आप देख लीजिएगा, क्लिक थोड़ा सा क्लिक करके स्टॉप कीजिएगा वीडियो को और देखिएगा अच्छी प्रकार से और नोट कीजिएगा। फिर आपको इनको लट लकार, लोट लकार, लंग लकार और विधिलिंग लकार, चारों लकारों में आपको इनके रूप चलाने हैं अभी तक की जितनी भी धातुएं हैं। तो यह आपको आज कार्य दिया जाता है, और विधिलिंग को बनाने के लिए एक फॉर्मूला, जैसे हमने गत वीडियो में दिया था लोट लकार के लिए, उसी प्रकार से इसका फॉर्मूला भी देख लीजिएगा आप। इसमें धातु के पीछे जो भी धातु मूल धातु है हम बना लेंगे, जैसे भवेत हमको एत दिख रहा है और हमने दूसरी धातु का रूप बनाया गच्छेत, उसमें भी एत दिख रहा है हमको, हमने पठेत उसमें भी एत दिख रहा है, तो हमने सोचा ये एत सब में दिख रहा है तो एत को अलग निकाल देते हैं। तो हमने इसी प्रकार से ये 9 प्रत्यय हमने निकाल लिए और सबके पीछे पीछे लगा दिए, तो सब धातुओं के जो भी धातु अभी तक आई है उनके विधिलिंग के रूप बन गए। आप देखिएगा संक्षिप्त में, एत,
एताम एयुः एह एतम एता एयम एव एम। अब आप प्रत्येक धातुओं के साथ में इसको लगा करके विधिलिंग के रूप सहजता से सरलता से याद कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब आइएगा आपको एक कुछ आपको नियम बतलाते हैं। हमने कर्ता पढ़ लिया, आपको ठीक प्रकार से समझ में आया, क्रिया को जो करता है वह कर्ता कहलाता है। नॉमिनेटिव सबॉल्ट कर्ता कारक कहते हैं जो क्रिया को करता है। कर्म भी हमने जान लिया, ऑब्जेक्टिव केस समझ लिया, कर्म मीन्स ऑब्जेक्टिव केस, अर्थात कर्ता क्रिया के द्वारा, क्या ध्यान से सुनिएगा, कर्ता क्रिया के द्वारा जो चाहता है सबसे ज्यादा, अर्थात वो क्रिया उसी लिए कर रहा है, उसको वो चाहिए, तो जो चाहिए क्रिया के द्वारा कर्ता जिसको सबसे अधिक चाहता है उसको क्या कहते हैं, कर्म। ये दो पढ़ लिए हमने। फॉर एग्जाम्पल, राम गांव को जाता है, तो जो जाना क्रिया कर रहा है वो किस लिए कर रहा है, मैं गांव को पहुंच जाऊं, तो इसलिए गांव उसका मुख्य टारगेट है, तो गांव क्या हुआ, उस वाक्य का कर्म हुआ। तो हमने कर्म तक पढ़ लिया। अब हम थर्ड केस पर जा रहे हैं, वह थर्ड केस है इंस्ट्रूमेंटल केस, करण कारक। करण कारक की पहचान क्या है, तो कहते हैं करण कारक मतलब क्रिया को करने में जो सहायक होते हैं, जो सहयोगी होते हैं उसको करण कहते हैं, उसको हम साधन भी कह देते हैं। एक हिंदी में उदाहरण देके मैं आपको समझा देता हूं कि राम साइकिल के द्वारा गांव को जाता है, राइट। तो यहां राम करता हुआ और गांव जा रहा है, गांव कर्म हो गया, जाना क्रिया हो गई, परंतु उस गांव को जाने के लिए उसे साधन मन में जल्दी पहुंच जाओ, पैदल पैदल जाएगा थोड़ा टाइम लगेगा, तो थोड़ा जल्दी पहुंचने के लिए वो साइकिल का यूज करता है, साइकिल को अपनी क्रिया साइकिल के द्वारा सिद्ध करता है। तो इसमें साइकिल क्या हुई, करण साधन। तो यही संस्कृत में इस कारण को माने इस प्रकार से जो क्रिया में सहयोग देती है, तद्वाची शब्दों की करण संज्ञा हो जाती है, और जिनकी करण संज्ञा होती है यो इंस्ट्रूमेंटल केस, विच आर इंस्ट्रूमेंटल केस विद, तृतीया विभक्ति यूज्ड। जो इंस्ट्रूमेंटल केस होते हैं, जो करण कारक होते हैं, तद्वाची शब्दों के साथ में तृतीया का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए सूत्र देखिए आचार्य पाणिनि का, कर्तृकर्ण्योस्तृतीया। हम यहां कर्ता को छोड़ देते हैं, अभी हम कर्ण को लेते हैं। कर्ण में पाणिनि जी क्या कहते हैं, कर्ण में तृतीया होती है। आइए अब उदाहरण देखिएगा। हाँ देखिएगा, बाला कंदुकेन क्रीडति, बच्चा गेंद से खेलता है, खेलना क्रिया वो किसके द्वारा कर रहा है, गेंद के द्वारा, कंदुकम मीन्स कंदुका मीन्स गेंद, गेंद, तो वो गेंद के द्वारा खेलता है, तो इसलिए कंदुकम में तृतीया विभक्ति हो गई। तो आपको स्पष्ट हो गया करण कारक में इंस्ट्रूमेंटल केस में तृतीया
तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। अब देखिएगा इसमें साहा सार्धम दो शब्द आए थे शब्दकोश में, उनके लिए नियम देखते हैं, आचार्य पाणिनि का सूत्र देखते हैं, सहयुक्ते प्रधाने। तो इसका जब विच्छेद कर देंगे तो सहयुक्ते अप्रधाने ऐसा। तो कहते हैं सह सार्धम साकम समम, ये चार वर्ड हैं, इन चार वर्ड का अर्थ है साथ टुगेदर। जब ये चारों शब्द किस अर्थ में हो, साथ अर्थ में, तो इनके साथ माने इनके साथ जिन शब्दों का संबंध है उनमें तृतीया विभक्ति प्रयोग होती है। अर्थात एक तो इंस्ट्रूमेंटल केस हो गया था, करण कारक हो गया था, उनके साथ होती है, उनके अलावा यहां बता रहे इन शब्दों के साथ में जिन शब्दों का संबंध होता है उसमें भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। देखिएगा उदाहरण, पिता के साथ घर जाता है, अर्थात बच्चा है वो पिता के साथ में घर जाता है, तो जनकेन सह सार्धम साकम समम वा गृहम गच्छति, माने पिता के साथ में। तो इसमें से आप जो चार शब्द दिए किसी एक का यूज करना है, तो सबके साथ में जनक का, तो जनक में तृतीया हो गई जनकेन, क्योंकि पिता के साथ में जाता है। इसी प्रकार से और भी आगे हम वाक्य बनाएंगे उसमें क्लियर हो जाएगा इनका प्रयोग। अब देखिएगा एक नियम और देखिएगा आज, किम कार्यम अर्थ प्रयोजनम, इन ये चार वर्ड्स हैं, फोर वर्ड्स हैं, इनका जब अर्थ क्या हो, प्रयोजन अर्थ, ये चारों शब्द अर्थात इनके अपने अलग अलग अर्थ भी हैं, परंतु जैसे किम का क्या अर्थ भी है और कार्यम का कोई कार्य अर्थ भी होता है, परंतु और अर्थ का धन अर्थ होता है या मीनिंग अर्थ होता है, परंतु और प्रयोजन शब्द का प्रयोजन अर्थ होता है पर्पस, परंतु जब इनका एक दूसरे अर्थ भी होते हैं तो वो कौन सा अर्थ हो, प्रयोजन पर्पस। जब ये पर्पस अर्थ के लिए सेंटेंस में यूज किए जा रहे हों तो इनके साथ में जिसका संबंध होता है उसमें भी तृतीया विभक्ति होती है। जैसे देखिएगा दुर्जनेन पुत्रेण किम, इसका अर्थ हुआ दुर्जन पुत्र से क्या प्रयोजन, दुर्जन पुत्र से क्या प्रयोजन, तो किम या किस प्रयोजन अर्थ में प्रयोग हो रहा है। किम कार्यम, दुर्जन पुत्र से क्या कार्य माने क्या प्रयोजन, कहा अर्थः माने दुर्जन पुत्र से कहा अर्थः क्या प्रयोजन है, कोई प्रयोजन नहीं है। किम प्रयोजनम, ये तो साक्षात है किम प्रयोजनम, अर्थात दुष्ट पुत्र से क्या प्रयोजन, वो बदनामी करता है, गलत कार्य करता है, पीड़ा देता है, जब तक जीवित रहता है तब तक वो दुख दुख ही देता रहता है, कष्ट ही देता रहता है, सुख नहीं देता। तो यहां पर ये किम कार्यम अर्थ प्रयोजनम, ये चारों शब्द किस अर्थ के लिए प्रयोग हो रहे हैं, प्रयोजन के लिए। तो आज हमने इतना पढ़ा, इसमें आपको सभी ये मैंने धातुओं के रूप बताए हैं उनको याद करना है, और आपको काफ़ी कार्य दिया गया है, ये नियम बताए हैं, इन नियमों को भी अच्छी प्रकार से याद करना है। नेक्स्ट पार्ट में हम इनके सेंटेंस बनाएंगे, इसलिए आपको याद रखना है। अस्तु अत्रैव विरमामः, शीघ्रं पुनर्मिलामः इति ओम शम।